नमस्कार एवरीवन। उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन लोगों ने कल रुद्राक्ष दीक्षा का इनिशिएशन मिस कर दिया। वो लोग कभी भी रुद्राक्ष दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग ऐसे थे जिनके पास अभी तक रुद्राक्ष पहुंचा ही नहीं, तो वो लोग रुद्राक्ष ऑर्डर कर सकते हैं। और जो लोग ऑर्डर नहीं करना चाहते, वो लोग फ्री में भी रुद्राक्ष अवेलेबल है आदि योगी वाले। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप वहां पर लिंक में जाएंगे और अपनी डिटेल्स भरेंगे तो आपके पास रुद्राक्ष पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे हमने मंगाया था, हमारे पास सारे के सारे रुद्राक्ष जितने हमने मंगाए थे वो सब पहुंचे, आप लोगों तक भी पहुंचेंगे। थोड़ा लेट भी हो सकती है पर पहुंच जाएगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो इनिशिएशन वाला प्रोसेस है, जिस भी प्रोसेस के थ्रू आपको जाना है, उसका लिंक वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाकर वो लिंक खोलेंगे तो आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू लेकर जाया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको केवल इनिशिएट करवाया गया है, फिलहाल कोई साधना नहीं दी गई है कि जो आपको डेली करनी होगी। केवल और केवल इनिशिएशन हुआ है। अगर कोई भविष्य में साधना दी जाएगी, वो साधना के बारे में भी अपडेट कर दिया जाएगा। अगर कोई अपडेशन होगा तो मैं जरूर जरूर आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए जिन लोगों ने कल रुद्राक्ष दीक्षा नहीं ली थी, वो दीक्षा ले सकते हैं। और मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, जो ये रुद्राक्ष दीक्षा दी जा रही है, वो रुद्राक्ष दीक्षा सदगुरु ने पहले ही बोला था कि जो आदि योगी के गले में जो रुद्राक्ष बांधा गया है, जो ईशा कोयम्बटूर में आदि योगी की जो बड़ी मूर्ति है, वहां पर जो रुद्राक्ष आदि योगी के गले में डाले बांधे जाते हैं, वो रुद्राक्ष के लिए यह दीक्षा दी जा रही है। तो जिन लोगों ने उस रुद्राक्ष जिन लोगों के पास वो वाला रुद्राक्ष नहीं था, वो वाला रुद्राक्ष के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दे और उनके घर तक वो रुद्राक्ष पहुंचा दिया जाएगा ईशा के द्वारा। तो जब जब आपके पास वो रुद्राक्ष आ जाएगा, आप उसके बाद जो लिंक है यूट्यूब में वीडियो का, उस लिंक के थ्रू वीडियो पे जाइएगा और आप इनिशिएट हो जाइएगा। कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सारी डिटेल ऑलरेडी वीडियो में बता दी है, आप वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ दिक्कत रहती है, डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और फर्दर भी आने वाली कुछ जानकारी होंगी, वो जरूर जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो लोग रुद्राक्ष या शिव से जुड़ना, मतलब रुद्राक्ष भी शिव से ही जुड़ने का एक माध्यम है एक तरीके से, तो वो लोग विभूति मंगा ले ईशा योगा सेंटर से, वो आपको बहुत मदद करेगी। ठीक है, आजकल तो जैसे भैरवी साधना चल रही है, तो मैं भैरवी साधना कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने लाल कलर का टीका लगाया है। लेकिन जनरली मैं विभूति लगाता हूँ इस साधना के दौरान, ये कुछ चीजें फॉलो करनी होती है, तो इस समय मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। जो लोग देवी से जुड़ना चाहते हैं, वो देवी कुमकुम वहां से मंगा सकते हैं। और अपने माता पिता, मतलब माता, जनरली जो लोग सिंदूर लगाते हैं, वो ये देवी कुमकुम सिंदूर की जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे तरीके से, या कौन सी अच्छे तरीके से बनाई गई है, और साथ ही साथ प्योरिटी इसमें है, और साथ ही साथ कॉन्सिक्रेटेड विभूति आपको दी कॉन्सिक्रेटेड आपको कुमकुम दी जा रही है। ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट रहता है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब आपको दे सकूं। सो जिनके भी कंफ्यूजन थी कि मैंने मिस कर दी रुद्राक्ष दीक्षा, या कुछ हो गया, मेरे पास रुद्राक्ष नहीं था, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है अभी भी। और अगर आप लाइव सदगुरु से इनिशिएशन लेना चाहते हैं, तो एक बार दोबारा से इनिशिएशन होने वाला है, वो शायद से महाशिवरात्रि के दौरान कभी होगा, ऐसा उन्होंने कल बोला है रुद्राक्ष दीक्षा के दौरान। तो अगर आप तब तक के लिए वेट करना चाहते हैं, तो आप तब तक के लिए वेट कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा जल्दी है, तो आपके पास जैसे ही आपका रुद्राक्ष पहुंच जाएगा, आप तुरंत ही जो YouTube पे वीडियो अवेलेबल है, उसके थ्रू जो प्रोसेस आपको बताया गया, उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हम्म।